This segment is disrupt. It says disruption. So disruption is generally by an outlier. So here is an outlier. But before going to Mr. Sinha's story, I'll just tell you my little story to just introduce him and who he is. I was just 6 years old. 6 साल का था. My dad took me to Mr. Sinha कि इनसे क्रिकेट सीखेंगे. अब 6 साल का बच्चा 1900 बहुत पहले की बात हुई है. तो 6 साल 1983. तो क्या क्रिकेट सीखेंगे? इन्होंने मुझसे पूछा, अच्छा क्या करते हो? जो ऑलराउंडर हूँ. हर 6 साल का बच्चा ऑलराउंडर होता है. बैटिंग करते हो, बॉलिंग करते हो, दोनों करता हूँ जी. अच्छा, बॉलिंग में स्पिन करते हो, फास्ट बॉलिंग करता हूँ, दोनों करता हूँ, क्योंकि सारे बच्चे करते हैं. स्पिन और फास्ट बॉलिंग का डिफरेंस ही नहीं पता होता. तो व्हाट ही सेड, ओके फाइन, डू यू हैव बॉल्स विद यू? यस, आई हैव गॉट 6 बॉल्स. आई वाज कैरिंग 6 बॉल्स. चलो कैच पकड़ना सीखो और जाओ. सर ये क्या कोचिंग सेशन हुआ यार, ये तो कोई बात नहीं, मज़ा नहीं आया. बट एनीवे, एट 7 आई वेंट टू हिम अगेन कि चलिए सिखाइए. क्या यार, क्रैश थोड़ी ना है ये बच्चों की, आप जाइए, आप 2 साल बाद आना. ओके फाइन, आई वॉज परसिस्टेंट, वेंट अगेन टू हिम एट 9 years ऑफ एज. अब वहाँ पे 6 महीने, यहाँ सोनेट क्लब का एक रिवाज होता था कि 6 महीने आपको ना बैटिंग मिलेगी ना बॉलिंग मिलेगी. आप फील्डिंग कर सकते हैं, क्योंकि किसी को बैटिंग करनी है, किसी को तो बॉल उठा के लाना है. तो दैट वॉज द इनिशिएशन, दैट यू जस्ट हैव टू गो एंड पिक द बॉल, कि आप फील्डिंग कीजिए. अब लॉजिक समझ में तब नहीं आया था कि क्यों कर रहे हैं ऐसे, टाइम क्यों बर्बाद कर रहे हैं. आता हूँ रोज, सिर्फ नेट पे खड़ा होता हूँ, चला जाता हूँ. डिडंट मेक सेंस, बट देन आई वाज टू यंग टू अंडरस्टैंड दैट. चलते रहे आगे, क्रिकेट खेलते रहे. फिर देयर कम्स अ स्टेज, किया सिलेक्शन होना चाहिए. नाउ यूर अंडर 15, अंडर 16, व्हाटएवर. दिल्ली वाजंट सिलेक्टेड, केम बैक डिजेक्टेड. तो कहते, अच्छा क्रिकेट सीख रही है या क्रिकेट खेलनी है? वेदर यू वॉन्ट टू लर्न हाउ टू प्ले द गेम और यू वॉन्ट टू गेट सिलेक्टेड. द चॉइस वॉज प्रीटी क्लियर कि यार सीख लेते हैं, खेल तो अपने आप जाएंगे इवेंचुअली. सो स्टिल स्टक विद हिम. अ लॉट ऑफ किड्स एट दैट टाइम, वो एक एज ऐसी रहती है, पेरेंट्स आर ऑल्सो पुशिंग यू इन डिफरेंट डायरेक्शंस. सो यू टेंड टू एक्चुअली लीव दैट नेस्ट एंड गो अवे, फ्लाई अवे, कि चलो यार ग्रीनर पास्चर्स समवेयर आर वेटिंग. देन प्ले द रांची ट्रॉफी, प्लेड फॉर दिल्ली, फर्स्ट गेम गॉट अ सेंचुरी, केम बैक टू हिम. आई थॉट ही विल एक्चुअली लाइक बी वेरी हैप्पी. ही वॉज हैप्पी, बट फिर कहते हैं यार विकेट फेंक दिया तुमने यार, आउट क्यों हुए? 150 बनाया, बट एनीवे ठीक है, आउट क्यों हुए? एंड कंटिन्यू टू प्ले, एंड प्लेइंग फॉर द कंट्री, वाज ब्लेस्ड इनफ टू डॉन द इंडिया कलर्स. वाज गोइंग टू ऑस्ट्रेलिया, अ लॉट ऑफ कोचेज, देयर आर वेरी फाइन कोचेज अराउंड द कंट्री. वी हैड जॉन राइट एज अ कोच एट दैट टाइम. सो ऑल ऑफ अस वुड, ऑल दीज गाइज वुड टेल अस कि यार बाउंसर्स की तैयारी कर लो, बहुत सारा चिन म्यूजिक मिलेगा. ओके, और लाइटर बैट भी ले लो, क्योंकि वहाँ पे वो पुल हुक मारने पड़ते हैं, लाइटर बैट चाहिए यार, तुम हैवी बैट से नहीं खेल पाओगे. आई वेंट टू हिम, आई टोल्ड हिम दिस दिस दैट दैट, भाई आई हैव बीन टोल्ड दिस, और आजकल थोड़ा फैंसी है भाई, इंडिया कलर भी है यहाँ पे, 245th इंडियन टू वेयर दैट इंडिया कैप. कहते नहीं यार तुम ना फ्रंट फुट की तैयारी करना, क्योंकि बॉलिंग सारी आगे ही होगी और बैट वैट हैवी लाइट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो तुम्हारा वेट है उसी से खेलो. आई लिसन टू हिम, बट ऑल्सो आई वॉज लिसनिंग टू अदर्स, सो आई ऑल्सो कैरिड अ फ्यू लाइटर वेट बैट्स कि चलो यार इनकी भी सुन लेते हैं, उनकी भी सुन लेते हैं. बाउंसर की प्रैक्टिस कर ली कि थोड़ा सा निकल लेते हैं किस तरीके से. बट इवेंचुअली आई रियलाइज दैट व्हाट ही सेड एक्चुअली वॉज करेक्ट. ही इज नेवर बीन टू ऑस्ट्रेलिया, इज एटलीस्ट एट दैट पॉइंट इन टाइम ही वॉज नॉट बीन टू ऑस्ट्रेलिया. ही इज नेवर प्लेड द गेम एट द हाईएस्ट लेवल, बट ही न्यू वॉट वॉज नीडेड, वॉट वॉज नीडेड एट दैट पॉइंट इन टाइम. सो प्लेड फॉर लिटिल व्हाइल, केम बैक प्लेइंग रांची ट्रॉफी अगेन. प्लेड अबाउट 11-12 सीजन फॉर दिल्ली. अब 13 सीजन जब शुरू होने वाला था, तो देन ही कॉल्ड मी कि चल यार राजस्थान चलते हैं. यार ये क्या बात हुई, राजस्थान तो नहीं जाना चाहिए. आई मीन आई एम फ्रॉम दिल्ली, आई प्लेड हियर ऑल माई लाइफ, राइट फ्रॉम अंडर 16s टू प्लेइंग फॉर इंडिया, रांजी ट्रॉफी 11 years. आई वॉज द कैप्टन फॉर ऑफ दिल्ली द प्रीवियस सीजन. यानी यार लेट्स गेट आउट ऑफ द कम्फर्ट जोन, लेट्स डू समथिंग एल्स. ओके फाइन, चले वहाँ चले गए. Ended up winning the Ranji Trophy for the first time ever for Rajasthan. Played 11 seasons for Delhi, won only once. And Delhi, we had a great side. Virendra Sehwag, Gautam Gambhir, Ashish Nehra, Amit Bhandari. Outstanding team. Rajasthan, we played for 2 seasons. Won the Ranji Trophy twice. That happened for the first time in the history of Ranji Trophy cricket, where Rajasthan actually won the Ranji Trophy. And when he took me to Rajasthan, Rajasthan, we have... this year we'll have 28, but 27 teams in the Ranji Trophy circuit. And Rajasthan was slated nicely at the number 27 slot. From there to become the champion once and then twice over, so first was not a fluke.
I ended up writing a book as well, so that happened to be my second book, so that was again a great thing. Won the Ranji Trophy twice, wrote another book. Didn't know it was happening, but he did take me out of my comfort zone. And little did I realize that actually he was giving me life lessons all through, and he was giving me lessons at the right time. So thank you very much, sir, for being very nice. And the lesson that I, just a brief mention on the lesson that he was imparting without really, me really realizing that, okay, this is happening to me. At the age of 6, he told me to just take catches. 6 साल के बच्चे को और कुछ सिखाना मुश्किल है वैसे बैटिंग में बैट सीधा कैसे आना चाहिए क्या करना चाहिए बट बॉल पकड़ना आसान है सो आई जस्ट टुक कैचेस फॉर 1.5 इयर्स आई जस्ट टुक कैचेस दैट नथिंग एल्स डिड नथिंग एल्स एंड इवेंचुअली एंडेड अप टेकिंग नियरली 200 कैचेस इन फर्स्ट क्लास क्रिकेट डिडंट ड्रॉप मैनी स्लाइटली मॉडेस्ट सॉरी बट आई डिडंट ड्रॉप मैनी इन फैक्ट व्हेन आई ड्रॉप कैचेस आई क्विट प्लेइंग क्रिकेट बिकॉज़ आई रियलाइज कि अब टाइम हो गया यार कैच नहीं पकड़ी जा रही रन तो बन जाएंगे देन those 6 months standing at the nets, what was I doing? I was doing nothing. What was I? Actually, I was doing a lot because my dedication, my discipline, my determination was tested. I was giving these silent lessons that, okay, boss, nothing will come easy. Just stay there. Be persistent. Don't leave. Don't quit. Learning or selection, it's a tough bargain. But so learn. If you learn, you'll eventually play for India. If you just want to get picked for under-16 team, good luck. Go ahead. In my batch, nobody has played for India. The batch that I grew up in, my under-16 days, guys who I played with the under-16 level for Delhi, not even one actually ended up playing for the country. So the lesson that was given at that time was perfect. Played for Ranji Trophy that 150, got out. The lessons were right, that boss, don't throw your wicket away even if you've achieved a milestone. So while going to Australia again, boss, ball is going to be pitched fuller and not shorter. Taking out of the comfort zone because that's what you tend to do or you must do at some stage of life. So that's Mr. Sinha who's done remarkably well and I, whatever little I've achieved in my life, it's because of him. So thanks a lot. And in this country, there's this glamorous game of cricket. We tend to say it's yes, this is the game of this country. Glamorous. It is his profession, the way he's run the sport. This is the unglamorous part of the sport. Won't call the underbelly, but some terms it actually is. Because there are no rewards, there's no funding, there's no support. But the institution has not just worked for a few years. It's been a 47-year-old institution. Worked without any funding of any nature, including the player fee. Because it's a garibo club, actually. So people who couldn't play elsewhere would come to him. The only criteria was that you have to be talented. You have to be dedicated, you must persist, and then he was the man who would make your dreams come true. He's produced, I think, 11 international cricketers. We celebrate coaches who produce one. They get Dronacharya Award. He's produced a team. And that's at the international level, first class level, countless. So, sir, phir aap se baat karta hun, shuruaat se ki...